तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और रेमेडी जो स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए ही है। सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही इसको करें, ड्राई या फिर नॉर्मल या फिर सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाए। ए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। या मैंने दो कॉटन नैपकिन्स लिए हैं। एक कॉटन नैपकिन अब मैं लूँगी, उसके ऊपर मुझे ऐड करना है कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी 4 से 5 ड्रॉप मैंने यहाँ पर लेमन जूस की ऐड कर ली है। अब मैंने क्या करना है, दूसरा वाला कॉटन पैड और उसके ऊपर मैंने डालना है थोड़ा सा रोज़ वाटर। तो यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड कर लिया है अपने कॉटन नैपकिन पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको हमको कैसे यूज़ करना है। एक हाथ में हमने लेमन वाला लिया है, रोज़ वाटर वाला लिया है, इसको इसी डायरेक्शन में आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। एंड बी रिमेंबर फ्रेंड्स, सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही इस रेमेडी को वीकली ट्वाइस यूज़ करें। इसके ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन वाले की रेमेडी प्लीज़ नहीं यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो लेमन है वो ऑयल को ख़त्म करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाए और इसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही इसको यूज़ करें। इस तरीके से आपने इसको अपने फेस पे, नेक पे, सब जगह पे अप्लाई करना है। देन आपको क्या करना है, उसके बाद आपने सिर्फ रोज़ वाटर वाला जो आपके पास कॉटन पैड है उसको लेना है, और उसके बाद आपको इस तरीके से अपने फेस पे सिर्फ रोज़ वाटर थोड़ा सा अप्लाई करके और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भर भर के करें, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि वर्किंग वुमेंस रहने दो या फिर हाउसवाइफ रहने दो, किसी के पास इतना टाइम नहीं बच पाता है कि वो अपने स्किन की केयर करे, क्योंकि फैमिली, बच्चे, सबको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं छोटी छोटी टिप्स या फिर छोटी छोटी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप बहुत ईजिली उसको कर पाए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक नया रेमेडी, एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ स्पेशल किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।